हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनाज रसोई। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी और आलू से बनी हुई आलू की मसाला पूरी की रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बन के रेडी होता है। आप इसे नाश्ते में बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और आप इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बनती है और काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट रहती है। सूजी आलू की मसाला पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप सूजी ली है और एक कप ही इसमें हम पानी ऐड करेंगे। बिल्कुल गर्म पानी है ये, तो यहाँ पे हम एक कप पानी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। और पानी डालने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो मैंने इसे कवर कर दिया एक प्लेट से और इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तब तक हमारी सूजी जो है फूल के सेट हो जाएगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट के बाद हमारी सूजी जो है अच्छे से फूल गई है, सारा पानी सूजी ने सोख कर लिया है और ये देखिए काफ़ी अच्छा डो बन के रेडी हो गया है। तो इसको मैं अभी हाथों से अच्छी तरह से मसल लूँगी और इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से सूजी फूल गई है, सूजी बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं बिल्कुल मैश किए हुए आलू। ये यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं मैंने, और अगर आप कप से लेते हैं तो एक कप ये आलू होने चाहिए। आलू को आप अच्छे से मैश करके ले लें या आप इसे ग्रेट करके ले लें और उसके बाद हम सूजी के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू और सूजी को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और इसे मैंने एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अच्छी तरह से ये इसके अंदर मिक्स हो पाए तो इसमें हम डाल रहे हैं एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, यानी कि आधा चम्मच यहाँ पे मैं ले रही हूँ जीरा, क्यूमिन सीड्स। जीरे का बहुत अच्छा टेस्ट इसके अंदर आता है तो एक आधा चम्मच हमने यहाँ पे जीरा ले लिया है। और यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ कर रही हूँ, हमें इसे थोड़ा सा चटपटा बनाना है इसलिए। और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच नमक यानी कि सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप चिली फ्लेक्स जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा चटपटा बनाना चाहती हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना के तैयार करेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ डो के अंदर, इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। और ये देखिए अभी थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी जो है पतली आपको नज़र आ रही होगी, ये थोड़ा सा सॉफ़्ट लग रहा है, जैसा हम आटा बनाते हैं पूरी या रोटी के लिए उसे काफ़ी सॉफ़्ट है। तो हम इसमें आधा कप गेहूं का आटा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप गेहूं का आटा ले लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स करेंगे। तो जितना आटा आपके स्टोव में लग जाए उतना आप ले लें। आप यहाँ पे तकरीबन 1 कप तक आटा यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करती जाऊँगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पहले मिक्स कर लिया है, अब इसे मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से हम सारा आटा इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। आटे को हम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाएंगे जैसे हम पूड़ी के लिए बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह का नहीं करना है और ना ही इसे बहुत ज़्यादा पतला रहने देना है। तो यहाँ पर अगर आपको लगे आटा थोड़ा सा और जाएगा तो आप आटा यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा कम आटा लिया है और ये मैंने पूरा मिक्स कर लिया इसके अंदर। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारा ये डो अच्छे से बन के रेडी हो गया है। जैसा हम रोटी के लिए बनाते हैं आटा, बिल्कुल उसी तरह का आटा ये हमारा बन के रेडी हुआ है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा आप रेस्ट करने के लिए ना छोड़ें। मैंने थोड़ा सा तेल हाथों पर लगा के इसके ऊपर लगा दिया है, अब इसको हम कवर करके रख देते हैं। तो मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया है। आटे को बना के कम से कम 5 मिनट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखें नहीं तो आटा जब काफ़ी सॉफ़्ट हो जाएगा। तो अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं पूरियों के लिए। तो पूरी यहाँ पे आपको जैसे नॉर्मल पूरी बनाते हैं उससे थोड़ी सी आपको थिक बनानी है, तो लोई भी थोड़ी सी आपको मोटी बनानी है। तो मैं यहाँ पर 3 लोइयाँ बना लेती हूँ और तीनों पूरियाँ पहले मैं बेल लेती हूँ। तो ये हमने बना ली हैं, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे चकले के ऊपर भी और बेलन के ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और जो हमने लोइयाँ बनाई हैं उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ऑयल हम लगा लेंगे।
तो इस तरह से ऑयल लगा के और इसको हम बेलना शुरू करेंगे। आप चाहें तो सूखा आटा भी डस्ट करके इसको बेल सकते हैं, चाहें तो ऑयल लगा के आप इसको बेल सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये बेल जाती है। तो बस इसको हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। ये हमारी पूरी बनके रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा पतला ना करें पूरी को, नहीं तो पूरी जो है फूलेगी नहीं और फट जाएगी ऑयल में जाके। तो हम इसे इससे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। मैं इसी तरह से सारी पूरियां बेल लेती हूँ। तक हम ये पूरियां बेल के तैयार करेंगे। मैंने ऑयल जो है ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है। पूरियों को फ्राई करने के लिए ऑयल आप पहले से गर्म करने के लिए रख दें, क्योंकि ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए जब आप पूरी को तलेंगे तब। तो ये हमने पूरियों को बेल लिया है, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल हमने अच्छा गर्म कर लिया था और उसके अंदर हमने पूरी को ऐड कर दिया है इस तरह से। तो जब भी आप पूरी फ्राई करें तो ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लें पहले, उसके बाद ही आप उसमें पूरी फ्राई करें, तभी आपकी पूरी अच्छे से फूलेगी। तो आप थोड़ा थोड़ा ऊपर से प्रेस करते जाएं और पूरी आपकी फूलना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद पलट के आप इसको इस तरह से दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। तो ये हमारी आलू की पूरी बहुत ही अच्छी बन के रेडी हुई है, फूल भी गई है ये देखिए। और मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी लग रही है दिखने में ये हमारी मसाला पूरी। इसी तरह से एक और पूरी हम बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने ऑयल में डाली और ऑयल में डालने के बाद थोड़ा थोड़ा हम ऊपर से इस तरह से इसको प्रेस करते जाएंगे, जिससे ये ऊपर से फूल जाए। और उसके बाद पलट के हम इसको दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये पूरी भी हमारी अच्छे से फूल के बनी है। तो पूरी की थिकनेस पे ध्यान देना है आपको, पूरी आपको हल्की सी मोटी बनानी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है। और ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए जब आप पूरी को फ्राई करेंगे उस वक्त। तो ये हमारी आलू की मसाला पूरी बिल्कुल रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। गर्मा गर्म आप इसे चाय के साथ सर्व करें, आप इसे टमाटो केचप के साथ, दही के साथ, जैसे भी आप इसे खाना चाहें वैसे आप इसे सर्व कर सकते हैं। वैसे इसे खाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये मसाला पूरी है तो इसमें बहुत सारे मसाले हैं, तो आप इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। इसे खाने के लिए आपको किसी सॉस की ज़रूरत नहीं है, आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।